चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज फिर से फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। दशहरा खत्म, दिवाली आने वाली है, सबको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। और हम लोग आज बात करेंगे यूनिट 4, जो कि अब आसान टॉपिक रह गया है, जो टफ था वो खत्म हो गया है। यूनिट 4 और 5 दोनों बहुत ही आसान है और बहुत ही आपको पढ़ा लिखा पहले से लगेगा, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होगी। यूनिट 4 पे बेसिकली आप ग्लैंड्स और देयर हार्मोन्स जो होते हैं, ये चैप्टर आपने पढ़ा है HAP में, तो उसका ही आपको बस एक समअप करके सारे हार्मोन्स का फार्माकोलॉजी अलग से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बॉडी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं, जनरल बात कि ग्लैंड क्या होता है। आपको पता है कि ग्लैंड जो होता है कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स का कलेक्शन होता है या स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिससे कोई ना कोई केमिकल रिलीज होता है, उन्हें हम ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड आर द ग्रुप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विच हैव सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स ऑफ हैविंग फंक्शन ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, तो ये ग्लैंड होते हैं, ऑलरेडी सब पढ़ा है। अगर आपको डिटेल पढ़ना है और समझना है इसके बारे में तो HAP में जाइएगा, वहां पे मैंने सब्जेक्ट अपलोड किया है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, हार्मोन के बारे में, वहां पे उसको और डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको पता है कि जो ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में फ्रेंड, वो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, एंडोक्राइन। तो आपको पता है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम्स। और उसी तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करते हैं। हार्मोन्स के बारे में बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 से बात स्टार्ट हो जाता है। तो जो हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये हार्मोन्स अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ये हार्मोन्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल दूं तो थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड से पैराथार्मोन या कैल्सिटोनिन, और बात करें हम लोग आपके आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैं से अल्फा बीटा गामा सेल से, तो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ठीक है, और बाकी टेस्टिस ओवरी से टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजेन है, और इसी तरह से एड्रेनल कॉर्टेक्स से देखा जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। पिट्यूटरी की बात करें तो हमें ग्रोथ हार्मोन है, सोमेटोस्टैटिन है, प्रोलैक्टिन है, मेलानिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, बहुत से प्रकार के हार्मोन्स हमारी बॉडी से निकलते हैं। अब ये हार्मोन क्या होते हैं और आपको पता है कि इन हार्मोन का अपना कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है, और इस हार्मोन के ज्यादा होने से यानी हाइपर सिक्रीशन और इसके हार्मोन के कम सिक्रीशन से यानी ज्यादा सिक्रीशन और कम सिक्रीशन दोनों से ही कुछ ना कुछ बीमारियां होती, जिसको आप पैथो में पढ़ चुके हैं। यानी हार्मोन आपके लिए नया शब्द नहीं है, आपने इसको HAP में पढ़ाया फर्स्ट ईयर में, क्लास 12 में पढ़ा है, उसके बाद इससे अधिक हाइपर सिक्रीशन से कौन कौन सी बीमारियां होती है ये भी आपने पढ़ा है, इसके हाइपोसिक्रीशन से कौन कौन बीमारियां होती है ये भी आपने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लू इंसुलिन हार्मोन का, तो ये इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस। अब इसके हाइपोसिक्रीशन से बीमारी होती है डायबिटीज। क्या होती है? डायबिटीज मेलिटस, आपने सुना है, ठीक है। उसी तरह से और जो बहुत से हार्मोन है उनके हाइपर सिक्रीशन से भी कुछ नुकसान है, हाइपोसिक्रीशन से भी कुछ नुकसान है। तो कुल मिला के हमें इनकी फार्माकोलॉजी पढ़नी है। जब हम फार्माकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं तो ये सभी जो ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड के जो निकलने वाले हार्मोन्स है, पहले उसकी केमिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपको पता है ये प्रोटीन के बने होते हैं, उसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं, कितने अमीनो एसिड है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, कितने अमीनो एसिड के चैन ए कितने का है, चैन बी कितने का है, ये उसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे पहली चीज। दूसरा फिर उससे होने वाली बीमारी का क्या है, हाइपोसिक्रीशन और हाइपरसिक्रीशन से होने वाली बीमारी पढ़ेंगे, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में। उसके बाद उस बीमारी के हिसाब से उस कौन सी दवाइयां लेंगे, जैसे कि अगर मैं डायबिटीज के लिए कहूं तो इसमें कौन कौन सी दवाइयां हैं, मेटफॉर्मिन है, और इसके साथ साथ आपके सीटाग्लिप्टिन है, बीटाग्लिप्टिन है, या हम और कुछ कह सकते हैं ग्लिमिप्राइड है, तो कौन सी दवा कहां पे असर करती है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे याद करेंगे, तो बारी बारी से हमको यही पढ़ना है, ठीक है। तो एक मोटा मोटी था कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि हार्मोन से रिलेटेड जो ये हमारा पूरा का पूरा यूनिट है और कुछ पार्ट इसके यूनिट 5 में भी है, तो इस यूनिट 4 यानी यूनिट 4 में कुल 5 चैप्टर है, और 5 चैप्टर का मतलब हो गया दोस्तों कि 5 अलग अलग ग्लैंड, उसके अलग अलग हार्मोन, उनके हाइपो और हाइपर सिक्रीशन, उनके लिए मेडिसिन, उनका क्लासिफिकेशन और उनकी फार्माकोलॉजी, इतना हमको पढ़ना है बारी बारी से। तो चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ेंगे वो है एडिनो हाइपोफाइसियल हार्मोन। ये एडिनो हाइपोफाइसियल हार्मोन मतलब होता है फ्रेंड पिट्यूटरी ग्लैंड। आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं हाइपोफाइसियल ही बोलते हैं, और उसके दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, मीडियन पार्ट भी होता है कहीं मिलेगा, तो इंटीरियर पार्ट वाले को एडिनो हाइपोफाइसियल बोलते हैं। तो अब हम इंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में जानेंगे,
उन हार्मोन का बॉडी में क्या फंक्शन है, उस हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करने वाले या रोकने वाले कौन कौन सी मेडिसिन है, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी फार्माकोलॉजी को हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। फिर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम थायराइड हार्मोन्स के। हमारे बॉडी में पता है T3 T4 जो हार्मोन्स निकलते हैं, और थायराइड के लिए आप देखते हैं कि कौन सा थायराइड हार्मोन कम है या ज्यादा है, तो कौन सी मेडिसिन देंगे। एल्ट्रोक्सिन आप सुने होंगे, थायरोक्सिन आपने नाम सुना होगा, 100 mg, 50 mg, 25 mg, तो ये अलग अलग प्रकार की कौन सी दवाइयां देते हैं, क्या इसका सिक्रीशन है, क्या इसकी केमिस्ट्री है, ये हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे इसके पैराथायरॉइड और कैल्सिटोनिन के, ठीक है, यानी पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, उससे दो हार्मोन निकलते हैं, पैराथायरॉइड और कैल्सिटोनिन। ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनके रेगुलेशन कैसे करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ेंगे, इनकी मेडिकेशन कैसे पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे इंसुलिन ग्लूकागॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, लगभग हर साल ही आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन से क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, और ब्लड शुगर जो बहुत बढ़ जाएगा तो डायबिटीज में अटैच होता है, तो डायबिटीज ब्लड एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है उसको हम पढ़ेंगे, कितने डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 उसके बारे में पढ़ेंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट, और फिर इसकी मेडिकेशन और इसके फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर चैप्टर नंबर 5 में हम ACTH और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि ACTH मतलब एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनल ग्लैंड का जो आपके जो एडिनल ग्लैंड का जो पार्ट है कॉर्टिको, आपको पता है कि एडिनल ग्लैंड में 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, और उसमें 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड, मिनोकॉर्टिकॉइड और सेक्सस्टेरॉइड। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। फिर इसका अगला पार्ट है सेक्स हार्मोन्स, जो कि हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो यूनिट 4 में कुल मिला के इतने ही चैप्टर, 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और इन 5 चैप्टर की डिटेल्स हमको जाननी है बारी बारी से कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसा इनका काम होता है। तो बाकी मैं तो आपसे पहले कहूंगा कि सभी चैप्टर के बारे में जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्या ये काम करती है, आप अलग से पहले से पढ़ लो, क्योंकि मैं इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये HAP में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो HAP वाले वीडियोस आप जाके सर्च कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिंक देने की पूरी कोशिश करूंगा, और वहां से आप देख के इसको एक बार पढ़ लेंगे, फिर इसकी फार्माकोलॉजी पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, स्टार्ट करेंगे एडिनो हाइपोफाइसियल हार्मोन, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक सेपरेट वीडियो के साथ। चैप्टर 1 है एडिनो हाइपोफाइसियल हार्मोन्स की बात करेंगे हम, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां से आपको नोट्स बनाना है, इससे पहले की जो नॉलेज थी वो बेसिक नॉलेज थी, वहां पे आपको शुरू नहीं करना था। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे हम एडिनो हाइपोफाइसियल हार्मोन। इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप जानें। आपने हिंदी में पढ़ा होगा पीयूष ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि ये एक बहुत ही आपकी जो ब्रेन है कैविटी जैसे खोपड़ी है ना, उस खोपड़ी यानी स्कल में आप सबसे पहला पार्ट जानेंगे कि उसमें एक बहुत छोटा सा गड्ढा पाया जाता है, इसको डिप्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका, नाम तो आपने सुना होगा, स्पेलिंग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सेला टर्सिका एक छोटा सा गड्ढा होता है, उस गड्ढे में मटर के दाने के समान करीब 1 सेंटीमीटर डायमीटर का एक मटर के दाने, आपका सेला टर्सिका है और मटर के दाने के समान पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। जी हाँ, बहुत छोटा, यानी कि आपके ब्रेन में खोपड़ी में छोटी सी गड्ढा है जिसको सेरेटर्सिका कहते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा मटर के दाने के समान 1 सेंटीमीटर डायमीटर के हिसाब से पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन इसको छोटे पे मत जाए, जीवन में अक्सर वो लोग जो बहुत छोटे होते हैं बड़े बड़े काम कर जाते हैं, तो ये उसी तरह से हमारी बॉडी में है बहुत छोटा लेकिन ये काम काफी बड़ा करेगा। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करके आपके सामने दिखाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यू बनेगा, ठीक है, कुछ यू हमने मटर के दाने के समान का स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके मटर के दाने के समान स्ट्रक्चर के समान हम इसको 3 भागों में लगभग बांट सकते हैं, लगभग 3 भागों में बांट सकते हैं। ये आगे वाले भाग को हम कह सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पहला वाला जो सबसे आगे वाला हिस्सा है उसे कह सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, बीच वाले हिस्से को हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और बीच वाला जो हिस्सा है आपको दिख रहा है थोड़ा सा बैट की तरह, ये किसी किसी में नहीं दिखेगा आपको, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं मीडियन पिट्यूटरी, यानी हम ये कह सकते हैं। और ये लास्ट में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको एक बेस की तरह, इसको इनफंडिबुलम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इनफंडिबुलम। ये सब ऑलरेडी आप एजिप्ट में पढ़ चुके हैं,
यानी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मीडियन पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें क्या होता है कि इसको हाइपोफाइसियल ग्लैंड भी बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, ये हाइपोफाइसियल पिट्यूटरी ग्लैंड का ही एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल ग्लैंड। अब हाइपोफाइसियल ग्लैंड को अगर हम उसके बायोलॉजिकली नाम पे जाए तो हाइपोफाइसियल ग्लैंड, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम हो जाएगा एडिनो हाइपोफाइसियल, क्या हो जाएगा एडिनो हाइपोफाइसियल, जो इंटीरियर पिट्यूटरी उसका नाम हो जाएगा एडिनो हाइपोफाइसियल। पोस्टीरियर का नाम हो जाएगा न्यूरो हाइपोफाइसियल, इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसियल, और बीच वाले को हम बोल सकते हैं मीजेन हाइपोफाइसियल। क्लियर हो गया, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है एडिनो हाइपोफाइसियल, मीजेन हाइपोफाइसियल और पोस्टीरियर हाइपोफाइसियल, ये एक तीन तरह का इसका नाम है। तो अगर स्टार्टिंग में आप इसको देखना चाहे फिर आप क्या लिख सकते हैं, ये सारे जो है वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि आपके अलग अलग हार्मोन्स हैं। तो अगर हम इसके एडिनिन पार्ट की बात करें तो इससे पांच हार्मोन्स शायद निकलते हैं। पहला है ACTH, जिसे कहते हैं एडिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। दूसरा है हमारा आपका PLH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तीसरा है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर हमारे अगले होते हैं ACTH के साथ PLH, FSH हो गया, और भी हार्मोन्स है, जैसे कि हम एक हार्मोन जो एडिनोकॉर्टिस के साथ साथ, हाँ, TSH, दिस इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि थायराइड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हो गया। और इसके साथ साथ इसमें होता है प्रोलैक्टिन, ये हो गया, पहले ही प्रोलैक्टिन का चुका। एक और इसमें है यहाँ पे, ये होता है GH, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। यानी आप देखिए कि इसका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है बेसिकली किन किन हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि एडिनोकॉर्टिस को कंट्रोल करते हैं। PLH प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी जब मदर के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तीसरा FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फीमेल्स में कार्पस लूटियम ग्रेकिन फॉलिकल मैच्योर होते हैं। चौथा है TSH, यानी कि आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को मेंटेन मैच्योर करते हैं। और GH जो ग्रोथ हार्मोन को मेंटेन करते हैं। ये पांच हार्मोन रिलीज हो रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, तो पोस्टीरियर में बेसिकली दो, एक होता है ऑक्सीटोसिन, नाम सुना होगा, और दूसरा होता है वैसोप्रेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन रिलीज होता है, और मीडियन वाले से सिर्फ एक, जिसको बोलते हैं MSH, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ऑलरेडी सब आप SJP में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप स्टार्ट यहीं से करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको यहाँ पे देना होगा। तो अब हम थोड़ी सी जितना आपने आपको बताया, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, डालेगा पेरिवेटिक पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसियल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये समझिएगा। ये पूरा का पूरा जो गड्ढा है ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में पाया जाता है। दूसरा, ठीक है, इन द स्कल अ स्मॉल डिप्रेशन इज प्रेजेंट विच इज नोन एज सेला टर्सिका, एंड इनसाइड द सेला टर्सिका अ स्मॉल ग्लैंड लाइक अ पी, मटर के दाने की तरह, लाइक अ सीड ऑफ पी इज हैंगिंग विद द इन्फर्टिकुलम विच इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड देयर डायमीटर इज अबाउट 1 cm ओनली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड फंक्शन कैन बी डिवाइडेड टू 3 parts, इंटीरियर पिट्यूटरी ऑल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस, मीडियन पिट्यूटरी आल्सो नोन एज मेजर हाइपोफाइसिस, एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी व्हिच आल्सो नोन एज द न्यूरो हाइपोफाइसिस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि द इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज द 5 hormones, नाम लिखेगा 1 एडिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, दूसरा PLH प्रोलैक्टिन हार्मोन, तीसरा FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोर्थ इज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड द लास्ट वन इज GH ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे द मीडियन पिट्यूटरी रिलीज 1 hormone MSH मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच डिसाइड द कलर ऑफ द बॉडी, एंड द लास्ट पॉइंट देखेंगे द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस रिलीज द 2 hormones ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन। ये ब्लड क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, और ये मिल्क के इजेक्शन को रेगुलेट करता है और हेल्प करता है प्रेगनेंसी में डिलीवरी। तो ये इतनी सी बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी है ये कितने सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बाप बोलते हैं, हार्मोन्स के ग्लैंड का बाप बोलते हैं, यानी फादर ऑफ, या कह सकते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्लैंड।
बिकॉज पिट्यूटरी क्या करता है, सारे कई प्रकार सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. ठीक है, तो लेकिन हमें चैप्टर नंबर वन में सिर्फ क्या पढ़ना है, एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी किसकी बात करेंगे हम, सिर्फ इंटीरियर पिट्यूटरी. उसमें एक पांच हार्मोन आते हैं, इनके ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होगी, इनके कम होने से कौन सी बीमारी होगी, इनमें कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, ये हम करेंगे, इनके बात करेंगे. तो ये हो गया पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, डिटेल पार्ट हो गया कि व्हाट इज द एडिनो हाइपोफाइसिस. अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में जब आपके सामने आएंगे तो इसके रिलीज की बात करेंगे कि एडिनल जो ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन से इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या इसकी फार्माकोलॉजी है. आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.